हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत टेस्टी सा यम्मी सा नाश्ता, जो कि आप लोग देख एकदम खुश हो जाएंगे। आज हम बनाएंगे खांडवी, लेकिन कुछ नए तरीके से। तो चलिए देखते हैं। ये एक कटोरी ले लिया है हमने, एक बाउल ले लिया है हमने बेसन, ठीक है। अब इसमें हम पानी की मात्रा भी बताएंगे आपको कि कितना पानी लगेगा। तो देखिए, एक कटोरी में पानी ले लिया है, इसको हम स्पून से करते हुए थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए बैटर बनाएंगे, जिससे कि लंग्स फ्री बैटर बने, क्योंकि इसमें यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लंग्स फ्री बैटर बन के तैयार हो। तो देखिए, इस तरह से हमने बैटर बना लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हमारा लगा है डेढ़ कटोरी पानी। देखिए, बहुत ज़्यादा अगर पतला कर देंगे आप बैटर, तब भी नहीं अच्छे से खांडवी बनेगी, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तब भी नहीं बनेगी। इस वजह से हमने ले लिया था एक कटोरी पानी, एक कटोरी मैदा और डेढ़ कटोरी पानी। तो ये देख सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखें गाइस, बेसन बिल्कुल महीन वाला होना चाहिए, मोटा बेसन नहीं होना चाहिए। अब ये हमने डाल दिया अपना मसाला, वही मसाला जो पिछली वीडियो में हमने बना करके रखा था, मिर्च, अदरक, धनिया, जीरा और लहसुन का जो पेस्ट बना करके रखा था, बस वही हमने डाल दिया। और ये डाल दिया हमने ऑर्गेनो। देखिए, ये हम अपने हिसाब से बनाएंगे, जिस हिसाब से बनाते हैं हम अपने यहाँ उसी हिसाब से। अब इसमें हम ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, स्वाद के अनुसार आप जितना तीखा या जितना चटपटा खाना चाहें उस हिसाब से। और आप देखिए, अगर आपके पास नमक स्वाद के अनुसार, देखिए अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप इसे, मतलब बेसन मोटा है आपके पास अगर, तो मिक्सी में चला करके इसे बारीक भी कर सकते हैं। तो देखिए, मिक्स कर देंगे और इसको हम रख देंगे रेस्ट पर 5 मिनट के लिए। बहुत टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट के लिए रख देंगे इसको। तो देखिए, 5 मिनट हो चुका है, हमने पैन को रख लिया है अपनी फ्लेम पर, लेकिन बिल्कुल धीमी फ्लेम है, बहुत तेज़ फ्लेम नहीं है। तो इस पर अब हम लगाएंगे बटर, आप चाहें तो ऑयल वगैरह लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ऑयल वगैरह हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपने लिए भी बनाएँ तो आप इस पर बटर या घी लगा करके टिशू पेपर से पोंछ भी सकते हैं। तो देख सकते हैं, ये हमने अपना वही बैटर डाल दिया है, तो बैटर को पतला ही रखें। तो देख सकते हैं कितना रनिंग कंसिस्टेंसी का बैटर है, कि हमने जैसे ही डाला तवे पर तो वो सारी तरफ अच्छे से फैल गया है। तो बस इसको अब हम क्या करेंगे, फ्लेम अभी हमने ऑन नहीं करी थी, मतलब गरम करके फ्लेम को बंद कर दिया था, अब हम फिर से ऑन कर दिया है फ्लेम को। तो बिल्कुल धीमी फ्लेम पर करेंगे। देखिए, पहले एक बार तवा हमने गरम कर लिया, उसके बाद बैटर लगाया तो हमने फ्लेम को बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि बटर अधिक हीट में उड़ सकता है, इस वजह से। तो देखिए कितना अच्छे से हो गया हमारा बैटर, फैल गया अच्छे से। तो ये देख सकते हैं, अब हमें क्या करना है इसके ऊपर। देखिए, अगर आप मोटा बेसन लेंगे तो इस तरह से क्रैकी हो जाएगा, जिस तरह से आप देख सकते हैं क्रैकी हो जाएगा। तो इसीलिए हमने ये आपको दिखाने के लिए बताया है कि अगर आप बैटर बेसन को मोटा लेंगे तो इस तरह से क्रैकी होगा, और अगर पानी भी सही से नहीं डालेंगे तब भी क्रैकी हो जाएगा। तो देख सकते हैं, अब इसको हम क्या करेंगे, इसके हम बना लेंगे रोस्ट। तो खाने में ये भी बहुत टेस्टी लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देख सकते हैं, इसके हम अच्छे से रोल्स बनाएंगे। तो देखिए, एक नाइफ की सहायता से हम कट करेंगे। ये हमने लगा दिया है ऊपर से चीज़। तो देखिए, चीज़ की वजह से थोड़ा सा काटने में दिक्कत होगी, क्योंकि चीज़ हमारा गर्म है, मेल्ट है, तो ये हमारी नाइफ में चिपकेगा, इसलिए हम इस तरह से कट कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो क्या करेंगे, इस तरह से हम निशान लगा देंगे और हल्का सा ठंडा होने देंगे, ठीक है। हल्का सा ठंडा, देखिए हो गया है 2 मिनट के लिए ठंडा। और अब हम क्या करेंगे, इसको रोल करेंगे। देखो, चीज़ की वजह से हमको ठंडा करना है, वरना आप चाहें तो आप गर्म में ही कर सकते हैं। तो देखिए, अभी गर्म है बहुत ज़्यादा। तो यार देखिए, रोल कितना अच्छे से तैयार हो गया है अच्छे से, तो आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम आगे के रोल भी बना लेंगे, जितना आपको बड़ा रोल चाहिए, जितना छोटा रोल चाहिए, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये देखिए, पनीर की वजह से कैसे हो रहा है, चाकू में नाइफ में चिपक रहा है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए, इसका गाइस कच्चे होने का भी बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बहुत पतला, बहुत यम्मी लगता है खाने में, बच्चों को चीज़ वगैरह ज़्यादा पसंद आता है, इस वजह से हमने इस फ्लेवर का बनाया। तो आप देख सकते हैं, तो ये देखिए, इस तरह से सारे के सारे रोल हम बना करके रख लेंगे। तो ये देखिए, फिर से हमने अगेन अपने तवे को गर्म कर लिया है और उस पर ऑयल लगा दिया है, और इस पर फिर से बैटर हम फैला देंगे। एक बात और गाइस आपको बताएं, एक चीज़ और हम ट्रिक दे रहे हैं, अगर आपका बेसन मोटा है, आपके पास मिक्सी भी नहीं है, आप बारीक नहीं कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 से 2 स्पून मैदा या फिर आप
एक से दो स्पून आटा भी ले सकते हैं, तो उसको भी फैला करके बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं हमने फ़िलहाल ये दोनों चीज़ें नहीं मिलाई हैं, हमने सिर्फ बेसन से बनाया है। आप ये दोनों चीज़ें मिला सकते हैं अगर आपका बेसन मोटा है तब, ठीक है। तो ये हमने हिंट दे दिया आपको कि आगे कैसे करना है। तो ये देखिए उसी तरह से चीज़ डालेंगे इसके ऊपर, मेल्ट करेंगे और इसके भी उसी तरह से बना करके रख लेंगे। इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा हमारे घर में होती है ना, बच्चों को अगर हर टाइम यही दे दो तो बच्चे हमारे हर टाइम यही खाते हैं, इतना उनको पसंद है चीज़ की वजह से। तो बच्चों को खिलाना है ये सब चीज़ें। तो ये देखिए उसी तरह से डाल दिया है। आप लोग देख सकते हैं कि साइड साइड में थोड़ा सा पनीर कम है, चीज़ कम है, क्यों? क्योंकि ये लपेटते समय बाहर निकलेगा नहीं, तो बहुत टेस्टी लगेगा। आप चाहें तो इसका पूरे का भी रोल बना सकते हैं, मगर हम छोटा छोटा कट करके बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो ये देखिए इस तरह से हम नाइफ से ही इसके किनारों को भी निकाल देना है और इसको कट करके अच्छे से बनाना है। आप ये देख सकते हैं इस तरह से नाइफ से कट करेंगे। देखिए गाइस इसी तरह से हम बना लेंगे सारे रोल्स को और बहुत यम्मी लगता है चाय के साथ, किसी भी स्नैक के साथ, ऐसे किसी भी चटनी जैम किसी के साथ भी आप सर्व करना चाहें, बहुत टेस्टी बहुत यम्मी लगता है। तो ये देखिए बनकर तैयार है, तो इसे हम सर्व कर रहे हैं देखिए। तो ये रही आज की हमारी रेसिपी, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। एक बात और, आप लोग गाइस कमेंट करिएगा कि आप लोगों के लिए हम कौन सी रेसिपी नई लेकर के आएँ, और इसी तरह की हेल्दी हेल्दी सी रेसिपी देखने के लिए आप हमारे चैनल को देखें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।